नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीबीटी ऐप की सहायता से आप बच्चे का अगर अनसीडेड बैंक खाता है उसके अभिभावक का, तो उसे कैसे हम बदल सकते हैं। अगर अभिभावक का आधार बदलना चाहते हैं तो डीबीटी ऐप को ओपन कर लेंगे। वहां पे हम आगे जाएंगे डीबीटी प्रक्रिया में। यहाँ पे हम देखेंगे कुल बच्चे प्रमाणित कितने हैं और कितने बच्चों का सफल भुगतान है। तो यहाँ पे 47 बच्चे हैं जो भुगतान के लिए किए गए हैं। इनमें से 46 बच्चे सीडेड हैं। यहाँ पे देखिए सीडेड बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिनके खाते सीडेड हैं। आगे अगर हम इस पे बैक जाके देखते हैं कि अनसीडेड बच्चे कितने, तो यहाँ पे एक बच्चा अनसीडेड में शो हो रहा है। इस अनसीडेड बच्चे पे हम क्लिक करते हैं अनसीडेड आधार बैंक खाते पे, तो आगे डिटेल दिखाई देगी। क्या आपने अपने अभिभावक से बात करके खाते को चालू आधार से लिंक कर लिया है? अगर लिंक कर लिया है तो इस पर क्लिक कर देंगे। ऊपर से 16 आधार से कोई भी बैंक खाता जुड़ा नहीं है, तो हम यहाँ पे अगर जोड़वा लिया है तो हम क्लिक पे कर देंगे और हाँ पे करके अपडेट भेज देंगे। यहाँ पे क्या आप डाटा को आगे भुगतान के लिए भेजना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर नहीं हुआ है तो हम नहीं कर देंगे। अगर उसका खाता खुला हुआ ही नहीं है, उससे जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो हम दूसरा कोई अकाउंट जोड़ सकते हैं। दूसरा अकाउंट जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें यहाँ से बैक जाना होगा। यहाँ पे देखिए नोट सीडेड पेमेंट फेल का ऑप्शन शो हो रहा है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ भी जो है ऐसे बच्चे की जो विवरण है वो दिखाई देने लगता है। यहाँ पे हम इस बच्चे के डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो क्या आप इस छात्र छात्रा के अभिभावक का आधार बदलना चाहते हैं, तो हमें बदलना है, तो हम यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आगे डिटेल पूछेगा, आप किसका आधार सत्यापित करना चाहते हैं, माता का या पिता का। तो हम उसी पे क्लिक करके यहाँ पे डिटेल भर के ये सारी प्रक्रिया सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपके बच्चे का आधार, अभिभावक का आधार बदल जाएगा। तो आइए देख लीजिए। इस तरह से अब देखते हैं हम अनसीडेड आधार बैंक खाते में हमारे छात्रों की संख्या जो है 0 हो गई है। अगर हम अंदर इसमें डिटेल चेक करेंगे तो हमारे सारे बच्चे अब सीडेड में हो गए हैं। वो बच्चा जो था प्रमाणित हो गया है, प्रमाणित छात्रों में आ गया है, सीडेड छात्रों में आ गया है। तो इस तरह से आप बच्चे के अभिभावक का आधार बड़ी आसानी से ही चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।